हम लोग को, हम लोग 150 पूर्ण बहुमत वाले और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे या बीजेपी दावा कर सकती है? नहीं, दावा नहीं करते, बीजेपी मुख्यमंत्री तो नीतीश, तो बड़े भाई बन गए ना आप यहाँ पे, नीतीश कुमार जी ही होंगे मुख्यमंत्री। लेकिन तेजस्वी के ऊपर क्या कहेंगे, बड़े भाई बन गए ना? पार्टी का स्टैंड है, बीजेपी का स्टैंड है, एनडीए का स्टैंड है, तो बड़े भाई, तो बड़े भाई छोटे भाई जैसा ही काम करेंगे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूँ ऋचा शर्मा। इंतजार की घड़ी अब लगभग समाप्त हो चुकी है, रुझान सामने आने शुरू हो गए हैं, लगातार एक के बाद एक न्यूज़ फॉर्मेशन भी आपको अपडेट्स दिखा रहा है और इसके साथ फाइनल मुहर किस पर लगती है, किसकी सरकार बनती है, ये बहुत ही जल्द हम आपके बीच रखेंगे। लेकिन इससे पहले बीजेपी नेता और बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने ये कह दिया है कि जेडीयू और एनडीए 150 से ज़्यादा सीटों पर सरकार बनाएगी और पूरी बहुमत के साथ उनकी सरकार बन रही है। पूरा दावा है कि 150 सीटें एनडीए के पाले में जाएंगी। सबसे पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अवधेश। पूरा रिजल्ट आ जाना चाहिए, इसके बाद कुछ सोचेंगे। तो आपको अंत में कितनी सीटें अपेक्षित है? हम लोग को, हम लोग 150 पूर्ण बहुमत वाले और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे या बीजेपी दावा कर सकती है? नहीं, दावा नहीं करते, बीजेपी मुख्यमंत्री तो नीतीश, तो बड़े भाई बन गए ना आप यहाँ पे, नीतीश कुमार जी ही होंगे मुख्यमंत्री। लेकिन तेजस्वी के ऊपर क्या कहेंगे, बड़े भाई बन गए ना? पार्टी का स्टैंड है, बीजेपी का स्टैंड है, एनडीए का स्टैंड है, तो बड़े भाई, तो बड़े भाई छोटे भाई जैसा ही काम करेंगे। सर तेजस्वी के ऊपर क्या कहेंगे, तेजस्वी के ऊपर, तेजस्वी के ऊपर आगे आगे देखिए, हम बीजेपी आगे आगे शुभेच्छाएं तो दे सकते हैं, तेजस्वी जी शुभेच्छाएं तो दे सकते हैं। नहीं अभी नहीं, नेता प्रतिपक्ष तो है, रिजल्ट होने दीजिए, नेता प्रतिपक्ष तो है। आपको बता दें कि रुझान अब एनडीए के पक्ष में होने लगे हैं। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे थे कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, जिसके बाद से जहां एक तरफ महागठबंधन में तैयारियां शुरू हो गई थी, अंदर खाने से जो खबर सामने आई थी कि पूरी तरीके से लिस्ट बनाई जा रही थी कि किसको कहां पर सेट करना है, और वहीं एनडीए के नेताओं में बेचैनी बढ़ी हुई थी। हालांकि एनडीए के नेता ये कहते नहीं थक रहे थे कि सरकार तो उनकी ही बननी है, एग्जिट पोल के नतीजे बिहार में कुछ भी ज़्यादा नहीं काम कर पाते हैं, 2015 में भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो देखने को मिला था। तो अब जिस तरीके से रुझान सामने आने लगे हैं, एनडीए की बढ़त होती दिख रही है और महागठबंधन पीछे छूटता दिख रहा है, ऐसे में अब अवधेश नारायण सिंह ने कहा है कि 150 सीटें एनडीए के पाले में जाएंगी और भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बन रही है। हालांकि अब देखना होगा कि बिहार में किसकी सरकार बनती है। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।